दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका टारगेट सिविल सर्विसेज जयपुर में। दोस्तों मूर्तिकला में जो बाकी रह गया था इस वीडियो में देख लेते हैं। गुप्तोत्तरकालीन मूर्तिकला। गुप्तोत्तरकालीन मूर्तिकला, इस कला में मूर्तिकला का कुछ कम विकास हुआ था क्योंकि इस काल में मूर्तिकला का पतन प्रारंभ हो गया था। गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ, मूर्तिकला का पतन प्रारंभ हो गया। जो गुप्त कला में अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी वो गुप्तोत्तर कालीन में धीरे धीरे पतन होने लगा। धार्मिक पुस्तकों में वर्णित देवताओं के स्वरूप को कलाकारों द्वारा मान्यता दी जाने लगी थी। जो धार्मिक पुस्तकों में ईश्वर का जो स्वरूप निर्धारित किया गया था, मानवीय स्वरूप, उसको ही कलाकारों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई थी। रचनात्मकता कम हो गई थी, अतः इस युग में मूर्तियां अधिक आकर्षक बनाई गईं। अधिक आकर्षक मूर्तियां बनाई गईं। फिर भी इस काल की कुछ ही मूर्तियां विभिन्न स्थानों पे देश में पाई गई हैं जिन पर सारनाथ कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। सारनाथ कला गुप्तकालीन कला के दौरान गुप्त काल में ही विकसित हुई थी। पल्लव शासकों की बात करें उस समय के, तो उन्होंने ही पूर्वी भारत में कुछ मूर्तियां बनवाई। दक्षिण पठार में एलोरा के कैलाश मंदिर की कुछ मूर्तियां और एलिफेंटा की गुफाओं में उत्कीर्ण फलक इस काल की मूर्तिकला की गाथाएं सुना रहे हैं। सारनाथ कला की बात करें तो गुप्त काल में मूर्तिकला का केंद्र सारनाथ ही था। यहां पर धर्म चक्र प्रवर्तन करते हुए महात्मा बुद्ध की भव्य मूर्ति सारनाथ मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सारनाथ कला में धर्मचक्र, देखिए सारनाथ कला और अमरावती कला दो ऐसी कलाएं हैं जिसमें बुद्ध की जितनी मूर्तियां उनको धर्मचक्र के साथ दिखाया गया है। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सारनाथ कला और अमरावती कला में। सारनाथ में बौद्ध तथा हिंदू धर्म की मूर्तियां विशेषता बनी। इस काल में सारनाथ में बौद्ध तथा हिंदू धर्म की मूर्तियां विशेषता बनी। इस कला की मूर्तियों में महात्मा बुद्ध को धर्मचक्र के साथ दिखाया गया है। इस कला की अनेक मूर्तियां आज भी कलकत्ता संग्रहालय में रखी हुई हैं। चोल मूर्तिकला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है। मेंस एग्जाम के लिए जो हमने बताया गांधार, मथुरा, अमरावती और चौथी है चोल मूर्तिकला, ये आपको जरूर जरूर पढ़ना है। यही चार सिलेबस में मुख्यतः आपके हैं और यही बार बार घुमा के पूछे जाएंगे। चोल मूर्तिकला में भी मुख्यतः जो नटराज की मूर्ति है उसकी विशेषताएं पढ़ लीजिए। चोल शासकों ने मंदिरों के सजावट के लिए मूर्तियों का निर्माण करवाया। इनके काल में जो मंदिर बनाए जाते थे उसमें उनको सजाया जाता था मूर्तियों से, चारों तरफ मूर्तियां बनाई जाती थी अच्छी अच्छी इस कला का सर्वोत्तम उदाहरण नित्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति है। जो नटराज भगवान शिव की मूर्ति है नित्य मुद्रा में, वह इस कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। हालांकि दोस्तों ऐहोल की रावण फाड़ी गुफा में भी एक मूर्ति मिली है, कुछ मूर्तियां मिली हैं, जिससे यह पता चलता है कि चालुक्य शासकों के द्वारा भी नटराज की मूर्ति बनाई गई थी। किंतु जो चोल शासन में मूर्ति बनी थी वो बहुत ही विशेष, बहुत सर्वोत्कृष्ट कही जा सकती है। जो चोल काल में नटराज की मूर्ति बनी थी, तो नटराज की मूर्ति की जो चोल काल में पाई गई है उसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को आपको ध्यान देना है। क्या ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू है जो सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। इनके ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू है जो सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है जो विनाश का प्रतीक है। आप नटराज की मूर्ति अपने सामने रखिए और जो मैं पढ़ रहा हूं उसको देखिए, ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू है इनके, जो सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। इसी के द्वारा इस डमरू को बजा करके इन्होंने सृजन किया है सृष्टि का। ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है जो विनाश का प्रतीक है, ठीक है ना। सृजन के लिए विनाश आवश्यक होता है, वह यह दर्शाता है। निचला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है जो अभय दान का आशीर्वाद दे रहा है, और निचला बायां हाथ पैर की तरफ इशारा करता है जो कहता है कि यहीं मेरी शरण में ही मोक्ष मिलेगा, जो मोक्ष के मार्ग को दर्शाता है। शिव यह तांडव नृत्य एक छोटे बौने की आकृति, अब जब आप देखिए नटराज की मूर्ति तो नीचे एक बौना है जिसके ऊपर यह
नित्य कर रहे हैं भगवान शिव, तो यह बौना अज्ञानी व्यक्ति के अहंकार का प्रतीक है। यह बौना किसका प्रतीक है? अज्ञानी व्यक्ति के अहंकार का। उसके ऊपर भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं। शिव की उलझी तथा हवा में बहती जटाएं, जब आप शिव की मूर्ति देखेंगे, हमने गलती की, इसमें ऐड कर देना चाहिए था वो मूर्ति, लेकिन आप लोग देख लीजिए, शिव की उलझी तथा हवा में बहती जटाएं, दोनों तरफ जो है भगवान शिव की जटाएं लहरदार तरीके से बह रही हैं। ठीक, तो वह जटाएं गंगा के प्रवाह का प्रतीक है, गंगा नदी के प्रवाह का प्रतीक है। और उनके श्रृंगार में देखा जाए तो शिव के एक कान में पुरुष की बाली, जबकि दूसरे कान में महिला की बाली है, जो शिव के अर्धनारीश्वर रूप का प्रतीक है, स्त्री और पुरुष के मिलन का प्रतीक है। शिव की बांह के चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ है, यह सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। कुंडलिनी शक्ति मानव रीढ़ की हड्डी में निष्क्रिय अवस्था में रहती है। अगर इस कुंडलिनी शक्ति को जगाया जाए तो मनुष्य सच्ची चेतना को प्राप्त कर सकता है। आप शक्तिमान धारावाहिक याद किए होंगे, उसमें दिखाता था ये चीज। यह नटराज मुद्रा प्रकाश के एक प्रभा मंडल से घिरा हुआ है, जो समय के विशाल अंतहीन चक्र का प्रतीक है। यह नटराज मुद्रा प्रकाश के एक प्रभा मंडल से घिरा है। आप देखिए तो चारों ओर एक प्रभा मंडल है गोला सा, जो समय के विशाल अंतहीन चक्र का प्रतीक है। ठीक है, तो ये नटराज की मूर्ति की विशेषताएं थी, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह जारी रहेगा मुख्य परीक्षा का जो मेरा सीरीज चला है, छोटे छोटे वीडियोस में बना रहा हूं, ताकि आपको ज्यादा लंबा न लगे, समय न ज्यादा लगे आपका, धीरे धीरे आपका तैयार होता जाए। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्यतः गति आएगी मुख्य परीक्षा की तैयारी में। चारों पेपर हमारे चैनल पे पढ़ाए जाएंगे आपको, और तब वीडियो की जो साइज होगी वो लंबी होगी, कम से कम आधा घंटा रखेंगे एक वीडियो की साइज। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं ये कहना चाहता हूं आपको, मुख्य परीक्षा के जो वीडियोस हैं वो रेगुलर नहीं आ पाएंगे, धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा का आप मुझे शुरू करवाना है वृहत स्तर पर तैयारी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।